everyone, welcome to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना ऑफिस दिखाऊंगा कि कैसे 9th में ड्रॉप आउट लड़के ने अपने घर पे ऑफिस बनाया है, कैसे इसमें ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे ऑफिस में कौन कौन से डिवाइसेस है और मेरे ऑफिस से क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। सो हमेशा आपने लोगों को देखा होगा, लोग पढ़ाई करते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं ताकि कंपनी उनको ऑफिस दे। मुझे डिग्री ली है मैंने, कंपनी ने मुझे ऑफिस दिया है। वो ऑफिस आपका नहीं है, किसी भी टाइम आपको किक आउट करके आपकी जगह पे कोई और आ सकता है। अगर कंपनी ने तुम्हें टोयोटा गाड़ी दी है तो उस टोयोटा पे नाज मत करो, वो कभी भी कंपनी तुम्हें फायर करके तुमसे वो टोयोटा ले सकती है। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, अगर तुम खुद को पहचान लो तुम अपना मैक्लारन भी ले सकते हो, तुम अपना बेंटली भी ले सकते हो, तुम अपना बुगारी भी ले सकते हो, तुम अपना ऑफिस जो है घर पे बना के तुम सब कुछ ले सकते हो। अगर आप मेरे ऑफिस के डेस्क पे देखे, एस्टन मार्टिन, ये गाड़ी $2,00,000 की है। अगर तुम सारी जिंदगी काम करके अपनी दो किडनियां भी बेच दो तुम बाय नहीं कर सकते। मेरे डेस्क पे बेंटली कॉन्टिनेंटल GT $3,30,000 मेरे डेस्क पे AMG G-Wagon $2,75,000 $1,000,000 की मेरे पास गाड़ियाँ हैं। मेरे ऑफिस में ये पिक्चर्स देखो, ये मेरे बचपन की पिक्चर है। मेरे पैरों में ये स्लीपर देखो चाइना के। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि अम्मी ने गरम चूरी से इसके नीचे ग्रिप बनाया है ताकि मेरा बच्चा गिरे ना। ये संदूक देखो, अम्मी ने सारे बहनों के लिए एक एक चीज़ जो है बर्तन जमा कर करके जो है बहनों की शादी के लिए। ये हालत, ये पिक्चर अमीरी वाली पिक्चर है, ये मैं अमीर। अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरा ऑफिस दिखाए, मेरा ऑफिस मेरे घर में है, $multi-million के मैंशन में मैं रहता हूँ और इस ऑफिस को मैंने जो है बनाया है। मेरे ऑफिस में आपको मैं डिवाइसेस दिखा देता हूँ कि मेरे ऑफिस में कौन कौन से डिवाइसेस है। सबसे पहले मेरे ऑफिस में जो मेन चीज़ है, कैश काउंटर। जब मुझे फिजिकल स्टोर से कैश आता है तो हम अमीर लोग हाथों से पैसा नहीं गिनते, हम हमेशा मशीन से गिनते हैं। अगर आप ये तस्वीर देखो मेरे ऑफिस में, ये तस्वीर रियल आईफोन से बना है। ये तस्वीर आई थिंक $5,000-6,000 का है। ये मेरे गुस्से का जो है फ्रेमिंग है, आईफोन 14 प्रो मैक्स 512 GB 14। आई थिंक ये जो है 13 है, मे बी इसका ओनली ये जगह टूटा है, बाकी सही है। ये भी 14 प्रो मैक्स है, 5,000। ये मेरा गुस्सा, जब भी मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो उस इंसान को तो मार नहीं सकता, दूर होता है, क्योंकि हमेशा हिजड़े फ़ोन पे जो है धमकियाँ दे देते हैं तो फिर फ़ोन को जो है ये करना पड़ता। मेरे ऑफिस में M1 चिप है, मेरे ऑफिस में जो है मैकबुक प्रो है और मेरे पास जो है एप्पल का टैबलेट पड़ा है। ये पार्ट के सिस्टम मैंने रिसेंटली ही लगाया है क्योंकि पाकिस्तान से जो है एक भाई आए थे मेरे साथ पॉडकास्ट के लिए, उनके पास सामान नहीं था तो मैंने $3,000 स्पेंड करके ये सामान उनके लिए बाय किया। आप लोग स्कूल जाते हो, डिग्री लेते हो, फिर जाके किसी की ऑफिस में लोग आपके टेबल पे आपके लिए जो है फाइल्स रखते हैं, ये करो, टाइम से जाना पड़ता है। नो, मैं अपने ऑफिस में चड्डी बनियान में भी आ सकता हूं, मुझे टाई पहनने की जरूरत ही नहीं। आई नो, अब बहुत से लोग कहेंगे, लूजर लोग, हम ऑफिस ले जाते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं। मुझे पता है तुम्हारे कौन से कलीग्स हैं, मुझे पता है ये सब बहाने हैं। तुम्हें भी अपने घर पे ऑफिस चाहिए, तुम्हें भी $multi-million का घर चाहिए। ऑफिस में तुम्हें कौन सा कंप्यूटर दिया जाता है, डेल? रिफ्रेश कर करके जो है तुम्हारा सारा दिन तो है सर दर्द हो जाता है। बॉस की दी हुई गाड़ी पे कभी भी गुरूर मत करो, तुम और कुछ कर सकते हो। बॉस की दी हुई ऑफिस पे जो भी तुम्हें कंपनी दे उस पे गुरूर मत करो, हमेशा सोचो कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। मेरे डेस्क पे अगर आप देखो, सबसे अच्छी किताब जो मेरे ऑफिस में है, कुरान, जिससे मैंने जिंदगी अच्छी गुजारने का सारा तरीका कुरान में है। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच से मैंने हमेशा ही सीखा है। हमारे लोग जब कारोबार शुरू करते हैं सबसे पहले खुद को यहाँ पर फेल कर देते हैं कि अगर नहीं चला तो, द मोमेंट यू से नहीं चला तो तुम बर्बाद हो गए। हमेशा अपनी सोच को बड़ी रखो,
कारोबार के लिए तुम्हें तालीम की ज़रूरत नहीं, मैंने 9th में स्कूल को ड्रॉप किया है। इन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए तुम्हें तालीम की ज़रूरत है। अब नो कुछ लूज़र कमेंट में आ जाएंगे, ये जो कंप्यूटर एक तालीम याफ्ता बंद ने बनाया। नो, एप्पल का मालिक जो है स्टीव जॉब्स जो है ड्रॉप आउट है। तुम्हें इन चीज़ों को देखे, तुम्हें टायर ईजाद करने की ज़रूरत नहीं, टायर को चलाना सीखो कि कैसे चलाते। इस डेस्क से मैं एवरी मंथ एक मिलियन डॉलर बनाता हूँ, सिर्फ इस लैपटॉप से। इस लैपटॉप से मैं करता क्या हूँ कि सप्लायर मेरा चाइना पे है, मेरा प्राइवेट लेबल के लिए, होलसेल के लिए वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स है। मैं करता क्या हूँ, ऑस्ट्रेलिया में सेम प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता हूँ, कैनेडा में लिस्ट कर देता हूँ, अमेरिका में लिस्ट कर देता हूँ, यूके में लिस्ट कर देता हूँ। एक सप्लायर कैनेडा में बैठा है, वो सारे कंट्रीज को जो है एक ही शिपिंग करके एक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, दूसरा बॉक्स अमेरिका जाता है, तीसरा कनाडा। अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर्स में मेरा सामान एक्टिव जाता है, मैं आराम से यहाँ चड्डी बनियान में बैठ के इंजॉय करता, और गैराज में एक मिलियन डॉलर्स की गाड़ियाँ पार्क, मैं उनको इंजॉय करता हूँ। क्यों? अगर मैंने किया है ये तुम भी कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई तुम अपनी कैपेसिटी से नावाकिफ हो। द मोमेंट तुमने अपने अंदर जो खूबी है उनको पहचाना, तुम किसी के लिए काम नहीं करोगे। आई नो तुम गुलाम जाके गधा बन के लोगों के ऑफिस में, और जो है कभी कभार तो तुम जाके बॉस के पैर भी दबाते हो। आई नो कितना तुम्हें सुनने को पड़ता है। यहाँ पर बॉस भी मैं हूँ, मालिक भी मैं हूँ, बादशाह इस घर का मैं बादशाह हूँ। मैं जो कहूँ वो होता है, किचन साथ में है, अगर कॉफ़ी चाहिए आराम से सब कुछ मिल सकता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? टुकड़ों पे पल के लोगों के ऑफिस पे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कि मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ, वो तुम्हारा नहीं है। वो दो नंबरी ज़िंदगी, वो झूठी ज़िंदगी, लेकिन ये जो ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ ये हकीकी ज़िंदगी है। कभी भी अपने आप को छोटा मत करो। तुम छोटे हो जाओगे जब तुम्हें कंपनी से टोयोटा मिल जाती है, जिसमें शर्म नहीं आती जब तुम अपने बच्चों को टोयोटा में घुमा के, और बॉस का फोन आए कि यू आर फायर, और नेक्स्ट डे तुम्हारे बच्चे चिंची में चले। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती कि वो टोयोटा तुमसे लेके चिंची में बच्चे जो है जलील ख्वार हो जाए? भाई मेरे पास तो एस्टन मार्टिन है, मेरे पास तो बेंटली है, मेरे पास तो ये है, अब रोल्स रॉयस भी आ रहा है। मैं तो आई लव इट। क्यों? वाई? अमेजॉन है, अगर मैं कर सकता हूँ ई कॉमर्स, ये सब ई कॉमर्स की बदौलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब तुम जो है खुद को स्ट्रेस आउट करो, ओ मुझे एक मल्टी मिलियन का घर चाहिए, उसमें ऑफिस चाहिए। इट टेक्स टाइम। अपने बेड से शुरू करो। मैंने अपने अपार्टमेंट से शुरू किया था। तुम करो क्या? अपने बेड से ऑफिस बना के, अपनी चारपाई से। अब मुझे पता है तुम्हारा एक दो कमरे का घर होगा जिसमें अम्मी अब्बू सो चुके हैं। अपने बेड को ऑफिस बनाओ। एक दिन आएगा कि तुम ऐसे मकाम पे होगे कि तुम्हारे खुद के डेस्क पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गाड़ियाँ होगी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का घर होगा, तुम्हारा ऑफिस होगा, अच्छा फर्नीचर होगा, शनेल गुची का सोफा होगा, सब कुछ होगा। यू विल हैव एवरीथिंग। बट ये तो चेंज करो पहले, यहां पे सबसे पहले यहां पे विन करो। तुम सारी जिंदगी पे विन विन ही करोगे। जरूरत क्या है तुम्हें पढ़ाई की? जरूरत क्या है तुम्हें डिग्री की? जो बंदा तुम्हें पढ़ा रहा है उसका खुद का ऑफिस नहीं, उसका खुद जाके प्रिंसिपल के ऑफिस में जो है सब दो टके का बिस्कुट खा के और चाय पी के जो है चाय लाओ। ये सारे लूजर है, दे आर ऑल लूजर। तुम्हारा उस्ताद लूजर है, तुम्हारा प्रिंसिपल भी लूजर है, सब दो टके के हैं, सौराब साइकिल पे आते हैं। आई नो तुम कहोगे उस्ताद की बेइज्जती कर रहा है। मैं किसी उस्ताद की बेइज्जती, मैं उस उस्ताद को उस्ताद बोलता नहीं जो रट्टा मार मुझे रट्टा सिखाए। उस्ताद तो वो होता है जो हकीकी बंदा हो, जो हकीकी में एक चीज़ करता हो तुम्हें सिखाए, मैं उसे उस्ताद कहता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, अगर इलेक्ट्रिक का उस्ताद बनना है इलेक्ट्रिशियन के पास जाओ, वो तुम्हारा हकीकी उस्ताद है। अगर तुमने गाड़ी सीखनी है जाकर ट्रक चलाना, जाके एक ट्रक ड्राइवर के पास जाओ, वो तुम्हारा हकीकी। तुमने कुछ सीखा, उसने क्लच लगाया, एक मिनट तुम ऐसे उस्तादों के एहतराम करते हो जो दुनिया में जो है लूजर है, जो सारा दिन तुम्हारी फीस पे जो है तुम्हें धोखा देता है, सारी रात रट्टा लगा के तुम्हें भी बर्बाद, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें उसी सर जी के दो। उसे सर नहीं, हाथी का सर कहो।
ये ऑफिस मेरे उस्ताद ने मुझे आइडिया नहीं दिया कि एक दिन तुम जाओगे, तुम अमेजॉन पे सेल करोगे. नो, मैंने अपने मेंटोर से सीखा. आज देखो, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. मेरे पास पहले एप्पल का कोई, ये सारे प्रोडक्ट एप्पल के, आई थिंक 8-10 हज़ार डॉलर का ये सेटअप है. जस्ट ओनली तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई है ये. जस्ट दिस सेटअप, ये टैबलेट देखो, ये मैकबुक देखो, M1 चिप देखो, एप्पल के हेडसेट देखो, ये सब कुछ हुआ है. क्योंकि मैं यहाँ से पहले अमीर हुआ, बाद में जाके तुम पैसे के साथ. तुम्हें डेल का लैपटॉप मिला है ना, डेल का कंप्यूटर, जिसमें जो है कीबोर्ड में गंदगी. आई नो, जब तुम अपने ऑफिस के कीबोर्ड में जो गंदगी पड़ी रहती है, काटन बट से साफ करते हो. आई नो, समटाइम तो वो इंटर का बटन जो है गायब हो जाता है. तुम जो है वो क्या बोलते हैं उसे, जो टूथपिक से जो है इंटर दब. आई नो एवरीथिंग कि ऑफिसों में क्या होता है. मेरा पहला लैपटॉप डेल का था, जिस पे मैं अमेजोन की लिस्टिंग करता. उसकी बैटरी ख़राब, मैं प्लग इन करके हमेशा उस पर काम करता था, बट मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया. समझ में आ रहा है? सो ये रहा मेरा ऑफिस, आप लोगों के सामने है. टाई लगाने की ज़रूरत नहीं, रिलैक्स रहो एंड हमेशा अपने आप पे भरोसा करो. यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो. समझ में आ रहा है? दिल छोटा मत करो मेरी जान. आई नो मैं बहुत खड़वा बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बोलता हूँ. अगर तुम ऐसा ऑफिस बनाओ, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाएगा. अगर तुम्हारे सामने ऐसी गाड़ियाँ हो, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाएगा. लेकिन मेरा मोटिव यही है कि जो चीज़ मेरे पास है, मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो. गुड लक.